कोई रास्ता है ही नहीं, कोई सड़क है ही नहीं, गर्द ही गर्द उठती जा रही है। आगे हमारे यार वो देखो सामने हमें क्या नजर आ रहा है, बताओ बच्चों बताओ यार, इतना करीब इतना करीब, इतना कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतना। ये अब हम थोड़ा हाँ जी गुजर गई थोड़ी, ओ ओ थोड़ा सा और बाबा लग गई, लग गई बॉडी को, लग गई हाँ जी थोड़ा सा पीछे, ये स्टेप टेढ़ा हो गया हमारा, नहीं इससे ज्यादा खराब है, पैदल चलते हैं। अच्छा तो चलते हैं आगे किसी जगह ना, मोड़ रोक लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप अपनी साइड वाला, हमारी साइड ठीक है, हमारी साइड ठीक है, बाबा बस 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 हमारी तरफ से ना है ही नहीं। डेढ़ से दो घंटे लगते हैं। हाँ तो हम बच्चों के साथ तो ये नहीं करने हैं। रास्ता बहुत ज्यादा खराब हो गया और हम लोग ना वापिस वापिस थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा पत्थर है बाबा, पीछे बस बस इस तरफ को कर ले और हो जाएगा हो जाएगा। तो मेरी तो टांगे कांप रही हैं, मैं तो सोच रही हूँ वापस ही चलते हैं। अब आ गया हम लोग अच्छी तरह, तो जाना तो है ना, देखने को जाना तो है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा अस्तोर में तीसरा दिन है और हम विजिट करने जा रहे हैं नांगा पर्वत का रूपल फेस। तो ये यहाँ से कितने किलोमीटर अवे है, ये ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर है और हमें 2.5-3 घंटे लग जाएंगे आराम आराम से हम जाएंगे, क्योंकि रास्ता तकरीबन ऑफ रोड है, बहुत खराब है। और फिर हम आपको बताएंगे, ये हमने एक्चुअली हम सिटी के अंदर से ही जा रहे हैं, एक बाईपास वाला रास्ता भी है जो जीरो पॉइंट से आता है, लेकिन हम क्योंकि सीधा चला जाता है, हाँ गोरीकोट वाला, लेकिन हम तो इधर बाजार में रह रहे थे, हम यहीं से अब जा रहे हैं। सो इस वक्त क्या टाइम हुआ है, इस वक्त 8:30 हो चुकी हैं, तो हम अपना पहले गुड़ीकोट जाते हैं ना, हम अपना जो है सफर जो है उसको स्टार्ट कर लिया हमने। और रोड कंडीशन आप देख सकते हैं, हाँ जी रोड हाँ जी ऑलमोस्ट ऑफ रोड ही है, यहाँ पे स्टोर में कुछ रोड्स के हालात नहीं अच्छी हैं, है ना ना ऐसी है। कहाँ कहाँ रास्ता है, नांगा पर्वत 25 किलोमीटर, गोरीकोट 6 किलोमीटर, सो अभी तो हमने नांगा पर्वत जाना है, से चले इसी रोड ने हमें सारी जगह ले जाना है, मिनीमर्ग ज्योसाई घुमेल सब कुछ, हाँ जी अब आगे चले। ये हमने अब टर्न ले लिया उस तरफ, रास्ता तकरीबन स्कर्दू में हर जगह जाने के लिए आपके पास 4x4 होनी चाहिए तभी आप जा सकते हैं, और हमें वैसे ना और डीजल को ढूंढना भी एक इशू बन जाता है हमारे यहाँ तो। गोरीकोट पहुंच चुके हैं और इसके बाद जो है अब कितने किलोमीटर्स रह गया है, रूपल वैली जो है वो अब 26 किलोमीटर्स है,
और यहाँ पर हमारे पीछे है कौन सा वजीर अली वजीर महल, महल। हाँ। वो यहाँ का सबसे अच्छा होटल है, उधर आप विजिट भी कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, इसके बाद फिर आगे कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, ये इसका यहाँ पर एक पेट्रोल पंप, आखिरी पेट्रोल पंप है ये वाला, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप जो है वो नहीं मिलता। तो अब चले, हमारा रास्ता भी काफी लंबा है। जी अभी हम दरिया के साथ साथ जा रहे हैं, अभी गोरकोट से निकल आए थे तो अब एक ब्रिज क्रॉस किया, उसके बाद अब एक और ब्रिज क्रॉस करेंगे तो फिर से दो रास्ते आएंगे, एक दियोसाई के लिए और एक नांगा पर्वत के लिए। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, अब वहाँ पे जब आ जाएगा तो वहाँ से फिर आपको अपडेट दोबारा देते हैं। रास्ता बस ऐसे ही है जैसा आपको नजर आ रहा है अभी तक, तो ब्रिज अभी थोड़ा दूर है। जी अब हम ब्रिज क्रॉस करने लगे हैं, इस ब्रिज क्रॉस करने के बाद दो रास्ते आएंगे तो वो अब आपको दिखाते हैं। अब हम ब्रिज क्रॉसिंग आपको दिखाने लगे हैं। ये ब्रिज है मेरा ख्याल, इसके आगे बोर्ड भी दिखाते हैं कर लेने के। सही तरह ये जो सामने ब्रिज आ गया है, और ये पानी का कलर कितना प्यारा हो गया, साफ हो गया, अब साफ हो गया पानी है ना। ये आ गया ब्रिज, ये लीजिए ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम। अब ऊपर चढ़ेंगे, इधर बोर्ड पढ़ लेते हैं ताकि गलती ना हो, और नेविगेशन से भी देख लो। नेविगेशन से ठीक है, कहाँ जाना है अभी तो चढ़े ना ऊपर। ये आ गया बोर्ड, वो सामने है, ये जो बोर्ड अब सामने आ रहा है ना ये हमें बताएगा ये हमने किधर जाना है, हमने इस तरफ जाना है। अगर आपने दियोसाई जाना है तो आपने इस ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हाँ जी, और राइट साइड पे जाना है तो हमने नांगा पर्वत रूपल फेस रूपल फेस है उस तक पहुंच जाएंगे। एक हम कर रहे हैं, हाँ एक हम कर रहे हैं, और तीसरा वो है फेरी मैडम। फेरी मैडम ये देखिए यहाँ से रास्ता अब कैसा खराब हो गया, पैचेस आते रहते हैं, कभी रास्ता बिल्कुल ठीक हो जाता है और कभी बिल्कुल ही खराब हो जाता है। सो ऐसे ही चल रहा है अभी तक तो। ये देखिए अब हम चल रहे हैं, ब्रिज है अभी हमने सीधा ही जाना है, इसके ऊपर से गुजरने का कोई सीन नहीं है। वापसी बड़ी तो खड़े होकर तस्वीरें बनवा लेना बेटा। हाँ इस दिन हम थोड़ी सी रुकेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, कभी भी हम ब्रिज पे नहीं गए वैसे, हम जरा एहतियात करते हैं ना मामला। नांगा पर्वत का हमें पहला दीदार हो गया है, सामने हमें माइटी नांगा पर्वत, दुनिया की आठवीं बड़ी चोटी और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी हमें सामने नजर आ रही है। सो हमने अब इसके करीब चले जाए। देखो यार सामने बच्चों, यार माइटी है, कितना खूबसूरत लग रहा है। बाबा ये खतरनाक है, इसकी बना लेते हैं ना, देखो कितना ज्यादा ऑफ रोड ट्रैक है, रास्ता बहुत ही खराब है और हम अब देखे जा रहे हैं उस तरफ, और सामने हमें नांगा पर्वत जो है ना नजर आ रहा है बिल्कुल अपनी, उसकी जो खूबसूरती है ना। एक्चुअली जो नांगा पर्वत है ये एक चोटी नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, एक दीवार की तरह है, ठीक है। और जो इसका रूपल फेस है ना, जो रूपल वैली की साइड पे है, वो बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट है,
स्ट्रेट है, मतलब उसको सबमिट करना नहीं, वो 18 के एंगल होगा। हाँ, वो 70 प्लस और वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उस तरफ से सबमिट करना जो है ना उसको, वो बहुत मुश्किल है। और वो वाले जो माउंटेनियर्स होते हैं ना, जो इस तरफ से करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। और लोग ज़्यादातर ना दूसरी फेस से कर दूसरी साइड से करते हैं, जो कि फेरी मेडो से आते हैं ना, लोग फेरी मेडो वाली साइड से ना सबमिट करते हैं इसको, क्योंकि इस तरफ से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। एक तो ऊपर ऑल द टाइम बर्फ़ जमी होती है, लेकिन बहुत सारे माउंटेनियर्स ऐसे भी हैं जो इसको सर्दियों में करते हैं। और जो हमारा वो सतपारा था, जो अली सतपारा, उसकी डेथ भी हो गई थी, तो वो जो था उसने विदाउट ऑक्सीजन इसको सबमिट किया था, इसको विदाउट ऑक्सीजन किया हुआ है, ऑक्सीजन की सप्लाई के बगैर। क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट गेन करते जाते हैं ना, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती जाती है, इसलिए इसका जो रूबल फेस जो है ना, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक तो इसको सबमिट करना बहुत मुश्किल है, बहुत सीधा है, और फेरी मेडो के मुकाबले में ना इजी एक्सेस है यहाँ से। फेरी मेडो में क्या है, आपने पहले जीप पे जाना है, फिर ट्रैक करके जाना है, और फिर आपको जो है वो नज़र आता है। ये हम बाय रोड जाएंगे और फिर शायद कुछ ट्रैकिंग भी होगी जिससे हम उसके करीब चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से अस्तोर वाली साइड से इसका व्यू बहुत क्लियर है। अभी भी देखो हमें से लगता है ना कि हम सामने ही हैं। और लेकिन फेरी मेडो लोग ज्यादा जाते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है, ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है, टूरिस्ट जाते हैं, फैमिलीज जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है ये भी इक्वली अच्छा होगा। हाँ, जाके यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादा किलोमीटर रह गए, जरा देखती भी जाऊँ कितने हमारे पास किलोमीटर रह गए हैं। वो तो चला गया मैप तो चला गया, यहाँ पे कोई इंटरनेट सिग्नल कुछ, हमें वाईफाई कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जाते हैं तो आपको दिखाते हैं मीटर की रीडिंग से उसको। चलें ठीक है, आप जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमें अब क्या मिला। जिसमें इसका ये व्यू आए, ये देखिए, अब हमें जो सामने ना माइटी नागा पर्वत नजर आ रहा है, और इतना क्लियर और इतना खूबसूरत लग रहा है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। और इससे ज्यादा खूबसूरत और हसीन चीज और क्या हो सकती है। आप लोग भी बच्चों देखो, कभी आपने सोचा था कि नांगा पर्वत के इतने हम करीब चले जाएंगे? कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ये क्लाउड है और ये हमेशा क्लाउड ही रहता है। हमने वहाँ शाहरा कराकरम से भी देखा था, तब भी क्लाउडी था। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाउडी रहता है, हर वक्त वो ऊपर से फ्रीजिंग रहता है, और खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। एक देखे ना, पूरी दीवार है। अगर आप केटू को देखो तो वो एक चोटी की तरह है, लेकिन ये एक पूरी दीवार है। और ये वाली साइड सबसे खतरनाक है, दूसरी साइड फिर भी लोग इजीली एसेस कर लेते हैं। और हमारे जो कंट्री है उसमें बहुत सारी खवातीन जो हैं वो इसको सबमिट कर रही हैं। पहले वो सना मिर्जा थी, उसने किया, अब आज सना मिर्जा ने किया है, वो जो शमशाल वेली की थी। वो गुजरात की है, यानी उसकी ज्यादा बहादुरी है, क्योंकि ये किलोमीटर के है ना, शमशाल की रहने वाली थी ना, क्योंकि और शमशाल के ज्यादा लोग उधर भी जाएंगे, शमशाल भी जाएंगे। हाँ, शमशाल भी जाएंगे। ये लें जी, जो सबसे खूबसूरत गांव है, जो नांगा पर्वत की बेस में है, उधर हम पहुंच गए हैं। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत, बिल्कुल सामने नांगा पर्वत है और आपका यहाँ गांव है। इससे ज़्यादा इजी एक्सेस क्या हो सकती है ना। जी, रूबल वैली से पहले हम एक और छोटे से विलेज में आ गए हैं, तो ये इनका बाजार देखिए, बिल्डिंग्स बस अब आने वाला है, बस वगैरह यहाँ देखिए घंटे की डिस्टेंस पर है। और ये देखो पुराने दुकान है। हाँ, और इनका देखिए बाइक्स पर लोग आए हैं, कितना खूबसूरत है, ये बाइकर्स भी आए हैं। तुम लोग बड़े हो जाना, तुम लोग भी बाइक्स चलाना आएंगे सारे मिलके, आगे पीछे आगे पीछे।
अभी हम गाड़ी में बैठे हुए ना, फिर हम बाइक्स पर आएंगे। चलो जी, अब आपको फिर से दिखाते हैं रास्ता। क्या नजर आ रहा है बताओ बच्चों, बताओ यार, इतना करीब, इतना करीब, इतना कभी सोचा भी नहीं था। ये अब हम थोड़ा सा टर्न लेने लगे, अब दूसरे पहाड़ पर जाने लगे। बहुत ही खूबसूरत था और अब हम और करीब जा रहे हैं। मैं सो आई एम सो एक्साइटेड कि हम इसके और करीब जा रहे हैं। मायदा को कैसा लग रहा है? मायदा ये ले जी, टर्न लेंगे तो शायद फिर नजर आएगा। यार बोलो, और करीब हो गया वो जी आ गए। यार क्या खूबसूरत है, रहने में तो हर रोज यहाँ से घूम लेते होंगे। जाहिर सी बात है, कितना मजा आता होगा उनको तो, वो उनके लिए नॉर्मल, ये वो नॉर्मल है, हमारे लिए ये हमारे लिए एक्साइटमेंट है कि हम इतने करीब से देखे ना। दूसरे कंट्री से लोग आते हैं और ये गांव कितना खूबसूरत है। मैंने इसकी खूबसूरती के बारे में बहुत सुना हुआ है कि जो इसके साथ गांव लगता है वो बहुत खूबसूरत है। कितना खूबसूरत लग रहा है यार, देखो तो सही। किलर माउंटेन नागा पर्वत होटल, किलर माउंटेन वो उस मूवी का शायद नाम है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। यार ये सारी चीजें ना स्टोर में है, इसीलिए हम लोग पिछले साल भी नहीं आ पाए और अब हम आ गए हैं। बहुत मुझे मजा आ रहा है, तीसरा दिन और हर दिन जो है हमारा पहले से बेहतर हो रहा है। ये भी अल्लाह का शुक्र है। यहाँ से जैकेट जरूर ले लेते हैं। ये देखिए जी नांगा पर्वत, ये मेरे ख्याल से अब टाइम लैप्स है नहीं, ये अभी भी 4 किलोमीटर है और रास्ता बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है और आप देख ही रहे हैं हमारे साथ एकदम से शार्प एजेस आ जाते हैं और ये हमने टर्न लेने होते हैं और टर्न लेना भी एक मुश्किल ही है अब यहाँ पर। तो चले ले टर्न, थोड़ा सा बैक करें। और वो जो सामने ब्रिज नजर आ रहा है ना उसको क्रॉस करना है हमने, लेकिन उस तरफ भी रोड मुझे कोई अच्छी नहीं नजर आ रही है और नीचे जाना है हमने। वो उधर जाना है, उस तरफ तो है ही नहीं ना रास्ता। हाँ चले जी, बहुत ही खूबसूरत ऑफ रोड रास्ते भी जो होते हैं उनका एडवेंचर अलग ही होता है। अभी देखो पहाड़ी लोग ना कहीं से भी ऊपर से नीचे आ जाते हैं स्लाइड, अब इसने यहीं से नीचे चले जाना है। ओए होए बाबा, आप देख नहीं रहे? अच्छा अच्छा, कोई इतना बड़ा पत्थर है, बच्ची पत्थर फेंक रही थी, मैं पता नहीं किसको मार रही है इतनी ऊपर से। ऊपर से किसी को भी मार रहे, बाइक वाला जा रहा हो, गाड़ी वाला जा रहा हो। पहाड़ियों इलाकों में इनके लिए तो बहुत आसान है ना, हमने तो रास्ते से जाना है, ये पहाड़ी से नीचे चले जाते हैं। फिर अगेन एक बहुत ही पूरा सा एज है, पत्थर है आगे। सो फिर आप बेटे अपनी साइड्स देखते रहो, ये पत्थर बहुत ज्यादा है इधर। बस चले जी, अब वो बच्ची जो थी वो देखे अभी ऊपर ही है। पत्थर फेंक रही है ये पता नहीं क्या, वो अपनी बकरियों को मार रही है यार, लेकिन वो किसी गाड़ी को फिर मार रही है। ये किसी गाड़ी को भी लग सकता है ना, वो फिर मार रही है। उनको तो नहीं ना पता कि उनको तो उनकी तो रूटीन है, वो अपनी बकरी को मार रही है। कैसे करे यार कैसे,
ऐसे ही है ना, चले हम तो उसकी रेंज में से बाहर आ गए हैं ना। हाँ वो चले जी, अब ये ब्रिज क्रॉस करने लगे हम, और फिर जो है ना इसके बाद जो रास्ता होगा वो फिर उस पहाड़ दूसरी तरफ चले जाएंगे हम। ब्रिज पहले तो हम बिल्कुल व्यू के पास आ गए थे, अब मुझे लगता है हम दूर जाकर पास आ गए हैं। असल में वो हाँ। देखने में तो लगता है आपके सामने जी रास्ता, रास्ता देखिए आप, और ये नया बना है, इससे पहले पता नहीं कैसा होगा, लकड़ी का होगा, लकड़ी का होगा। हाँ ये नया ही बना है, है ना, लकड़ी का भी क्रॉस करते ही होंगे ना। चले अब आपको फिर से टाइम लैप्स दिखाते हैं, 30 सेकंड बना लेते हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है और ऐसे ही है, ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अभी फिर भी पहाड़ थोड़े से दूर हो गए हैं, जब पहाड़ बिल्कुल करीब आ जाता है ना तब ज़्यादा हो जाता है खौफनाक। लेकिन चले अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, हम खैरियत से जाएँ, खैरियत से वापस भी आ जाएँ। बस अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते रहते हैं। आपको रास्ता दिखाते हैं, मैं उतरूं? नहीं चल, बन रही है। नहीं, हम ब्रिज से क्रॉस करने लगे हैं, वुडन ब्रिज पुराने स्टाइल का। जरा साइडों से बच्चों देख लो जरा अपनी, इधर मम्मा की साइड पे है जगह। हाँ इधर देखो, मेरी साइड से ठीक है, दरिया का बहाव भी बहुत ज्यादा है। हो गया, हो गया, हो। हाँ जी हाँ जी, चले 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 ध्यान से गोद में चले जाना है एंड। हाँ। और वो पहाड़ घूम घूम कर हमने एक पहाड़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर बास्कत वापस आ जाते हैं। ये मेरे ख्याल से वो पुराने रास्ते हैं जो जो बने होंगे, लोगों ने बनाए होते हैं। और ये रह नहीं सकते, लोग कहते हैं जी स्ट्रक्चर बनाए, ये करे वो करे, कैसे बनेगा ये? ये नहीं बन सकता। ओए ओए ओए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही है ना। हाय अल्लाह, कभी कभी मुझे डर लग जाता है। अब पत्थर जो है, रास्ता भी काफी नैरो होता जा रहा है ना। चलिए फिर से टाइम लैप्स बना लेते हैं। और ये भी देखें कितनी खूबसूरत है, और इधर बड़ी डेवलपमेंट भी हो रही है, देखो ना लोग इसका मतलब बहुत आते हैं। हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो मुझे लगता है कुछ लोग इधर आकर रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है रोड नहीं बन सकती, क्योंकि रोड यहाँ बर्फ की वजह से। कभी हम आएंगे फिर इधर बंदा स्टे करे 2 दिन। हाँ, कई लोग अपनी कुकिंग करो, ठीक है। हाँ, स्टे। लेकिन ये क्या, हमें तजर्बा हो गया ना कि कैसे आना है अस्तोर आके। लेकिन त्रिचिन गाँव से लेके ये रूपल तक बिल्कुल ही ऑफ रोड ट्रैक था। वो देखो पोर्टर्स तो मैं है बेस कैंप वालों के लिए ना। हाँ। सामान पहले भी हमें बहुत नजर आए, और आप इस वक्त बता रहे वो बेस कैंप आगे आ रहे पोर्टर्स मुझे ये। हाँ जी, और बच्चे पीछे हिल हिल कर उनकी। हाँ। थोड़ा सा मैं आपको अपनी गाड़ी का व्यू भी दिखाते हैं। बच्चे हमारे क्या हो रहे हैं, गाड़ी का भी व्यू दिखाते हैं। बस ये हो रहे ये देखिए पीछे गाड़ी में हमारे क्या हालात चल रहे हैं। हिल हिल के
इधर चॉकलेट और चॉकलेट शेक शेक हो गया। रास्ता भी बहुत ही खराब है, वापस रास्ते दिखा देते। आवाज ही नहीं निकल रही, आवाज भी शेक। और एक मिनट थोड़ा सा रुकी ना, जिस तरह चिंता करके कैमरा लगा लेने दे। चले जी, अब हम लोग जो है अभी तक हम रूपल गांव भी गुजार लिए, बेस कैंप पर ना बेस कैंप मुझे लगता है आगे है, आगे है। और इस रास्ते पर ना बंदा ना बंदे की साथ कोई भी नहीं जा रहा, बस पोर्टर्स जा रहे हैं। अब कोई बंदा आपको नजर आता है ना तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले आ, पिछले पोर्टर से नहीं पूछा हमने कहां जाना है ना। नहीं रास्ता देखो बना हुआ यही है बेटा, इधर से देखना पत्थर ना लगे। हाँ पत्थर ना लगे, बस ये देखते रहो। ये देखो ट्रैक बना हुआ यही है, कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, हमने बस उनके पीछे बस जाना और वो फास्ट है। ये लगता है ना कि हम गलत ना हो जाएं। अब ये क्रॉसिंग पता नहीं कैसी है, जरा उतर के कोई देखेगा। मैं देखूं? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। तो आगे रास्ता क्या है? आगे बाहर रास्ता नहीं है, रास्ता नैरो है। तो ये मैं रॉक गिरा दे नीचे, रॉक गिरा दे हम। देख कर आना पड़ेगा कहीं गलत ना हो जाए। हैं क्या रास्ता है ऐसे? फ्रंट इज ओपन। अच्छा मैं जाके फ्रंट इज बनाऊं, राइट फ्रंट इज क्लोज। ये मुझे निकालना है पापा, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं थोड़ा बस, नहीं नहीं निकल ले, चलो तुम बैठी रहो। बैठी रहती हूं मैं, कहां से गुजरूंगी। फ्रंट इज क्लोज दोबारा। मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, हम बेस कैंप ले जाएगा रूपल, जाना है यही रोड पकड़े सीधा आगे जाओ बेस। कितना है? कितनी देर है? तकरीबन गाड़ी में 10 या 15 मिनट लगेंगे बस सर। ये गुजर जाती है ना गाड़ी? हां गुजर जाएगी। अब जरा हमें दिखा दे बच्ची को क्या हुआ है। बच्ची नहीं नहीं, वही कब आ रहा बच्चा? हां क्या हुआ है बाजू पर? ये रात को कोई इधर गिरी थी। अच्छा अच्छा, इधर कोई ऐसा अस्पताल नहीं है इधर, वो एक होटल का बंदा है वो इस तरह चेक वेक करता है, तो उसने चेक करके कहा इतना कोई इशू नहीं है। चलें अल्लाह ताला आपको चलो जी, चलें हम सही रास्ते पे हैं इसका मतलब। हां नहीं गुजर जाएगी गुजर जाएगी, तुम लोग बस पीछे 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 इधर साइड वाले नहीं लगने लगी थी साइड से, तो थोड़ी सी और उधर कर ले। हाँ जी गुजर गई थोड़ी, ओ ओ थोड़ा सा और, थोड़ा सा और बाबा लग गई, लग गई बॉडी को लगी। हाँ जी थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा और पीछे करो। हाँ जी हाँ जी नहीं बाबा नहीं ठहरे, थोड़ा सा उधर करें। हाँ अब हुआ, अब सही है, अब सही और होए अब सही। हाँ जी चले 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 इधर ही बाबा, एक बार देख लें आप यार, वो बहुत खतरनाक था वैसे ना। नहीं मारी मैं बॉडी, स्टेप को लगी है, स्टेप को लग गया, स्टेप से थोड़ा सा टूट भी गया। ओ चेंज हो जाएगा वो, कोई बात नहीं, स्टेप की खैर है। और एक और सब लोग देख, मैं ऊपर के देख। हां जी ऊपर के देख क्या इसकी खैर है बॉडी, ये चेंज हो जाएगा ये सारा, ये स्टेप टेढ़ा हो गया हमारा, स्टेप टेढ़ा हो गया नहीं। मुझे उसी पत्थर से ही डर था पहले, वो पत्थर ही था सारा। हाँ ये देखिए ये पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, तनीम के घर हैं किस तरह, ये इस तरह के बहुत पुराने दौर के कुछ घर हैं यहाँ पे, ये लोग रहते हैं। तो रास्ता उसी तरह ऑफ हो गया अभी तक, तो चलता चला जा रहा है।
और वो सामने भी इसी तरह के घर है। यार अब मैं कहां, मैं इधर से इधर निकलना पड़ रहा है। यहां से जरा देख के जो पत्थर है, से भी आपकी तरह पत्थर है, भी पत्थर है बड़ा। अरे बाबा अपने गाल ही स्टेप से दूर है, पापा गुजारने से ही है। इस तरफ काफी जगह है, इधर जगह है। हाँ थोड़ा सा अब उधर पत्थर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुजर गई गुजर गई। बस आराम से, हाँ आराम से आराम से। पापा वो स्लिपू है, स्लिपू है। हाँ निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी यार। गाड़ी जरा निकलवा दो, निकल के बाबा यहाँ से सही निकल है। निकल पीछे कर लो, पीछे कर लो पापा, पीछे कर लो पापा। बाबा माई तरफ काफी जगह है। हाँ अब उस साइड पे कर लो। हाँ आगे सही है, आगे भी सुंदर गंदा है। अच्छा कितना अब आगे है? अब बहुत है यार, इधर से आपकी गाड़ी स्पीड पे जाएगी तो 20 मिनट नहीं, इससे ज्यादा खराब है। पैदल चलते हैं, आपको बड़ा मसला होगा। उधर रोड थोड़ा तंग है, उधर होशियारी से होगा। अच्छा चलो चलते हैं आगे, किसी जगह ना मोड़ रोक लेते हैं। पत्थर बस टूटा था जो नीचे था। बाबा ये पत्थर है यहाँ पर हमारी तरफ। हम कहीं यहाँ साइड पर जाके पैदल ना चले जाए। उन्होंने कहा बहुत तंग है, मुझे नहीं लगता होगा। चलो चलते हैं ना आगे, आगे आप आएगा ना ऐसी उधर रुक जाएंगे। ठीक हो गया पहले, ये अब ऐसा आ गया। नहीं ये तो नहीं आएगा बाबा, नहीं ये है डी है, डी भी है बाबा, ना करें करो लग जाएगा। नहीं करो पापा। ओ यार अच्छा चलो अब गुजर ले, किसी जगह से मोड़ना भी था बाबा। ये वाली जगह पे ना मोड़ के लगा ले। हाँ आगे पूछ लेते हैं हम, ये खुली जगह लगा लेते हैं ना, ये खुली जगह बीच में से पत्थर और नीचे टायर के नीचे है। हाँ, यार टायर से स्लिप हुआ, लगता नहीं है। आप जरा उतर के रास्ता देखते हैं। ये वाला बच गया हमारा, इधर से आ जाए, इधर बिल्कुल ठीक है। उतरो, नजर नहीं आ रहा मुझे। ये साइड पे आपकी
आप अपनी साइड वाला, हमारी साइड ठीक है, हमारी साइड ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारी तरफ से ना है ही नहीं, ये देखिए लोग ऐसे यहाँ तो नहीं रुक गए। अब रुके पीछे तो ना ना करना, पैदल कर लेते हैं। वो ये है ना कि अब उन्होंने कहा है कि आप बेस यहाँ तक भी गाड़ी, छोटी गाड़ी आती है, हमारी गाड़ी बड़ी है। हाँ ठीक है, सही है, हम हमने देख तो लिया ही है। तो और ये है कि आगे जाके बेस कैंप तक आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है, वो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। हाँ तो हम बच्चों के साथ तो ये नहीं करने आए थे ना। हाँ तो सही है, उस विलेज तक जाते हैं, उधर स्टे करते हैं। और ये रास्ता बहुत ज्यादा खराब हो गया काफी जगह से, और हम लोग ना अब उतर जाते हैं और गाड़ी को निकलवाते हैं। हाँ और ये कहते हैं कि ऊपर चले जाएंगे लेकिन आपको फिर वो व्यू नहीं मिलना, बस फिर हम कोई फायदा नहीं है, पीछे गांव तक ही जाते हैं। हमें किसी से वैसे रास्ते में ना पूछना चाहिए था, वो एक छोटी गलती है, लेकिन हम निकल गए हैं, अभी भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। आराम आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये मैं अब आप गाड़ी इधर लेके जाऊंगा, इधर से वापस करूंगा और इधर तुम लोग ये ट्रैक मेरा निकलवाओ। हाँ हाँ हम पैदल चलते हैं आपके साथ साथ, इधर लगी हुई है, हमें कोई गाड़ी नहीं नजर आई, इधर रिवर्स करते हैं और वापस लेके चलते हैं, गाड़ी भी नहीं नजर आ रही है। बैक कर इस यहाँ से आपने मुझे बताना है, और याद रखना है ये बेशक चला जाए बाहर, ये टायर नहीं जाना चाहिए सड़क से। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा हम खैरियत से इस रास्ते से निकल जाएं। बस वो ही पत्थर ही क्रैक हो रहे हैं बाबा, पत्थर स्लिप हो रहे हैं बाबा। बस 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 बस, वो अब आपका टायर यहाँ तक आ गया, इसको सीधा करें, सीधा करें, सीधा थोड़ा और आगे ले जाए, सोफिया की साइड पे अपनी तरफ रख के आगे, बस ठीक है, पीछे 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 सीधा, पीछे सीधा, पीछे 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 सीधा सीधा पीछे ले दें बाबा, थोड़ा और पीछे और पीछे और और ले जाएं और ले जाएं और ले जाएं और ले जाएं। हाँ हाँ ओए ध्यान से सो, बस बस पत्थर है, नहीं अभी दूर है, दूर है, चलो फिर पीछे ले जाए सीधा ही, सीधी पीछे, और बिल्कुल पीछे ले जाए, बिल्कुल पीछे और पीछे सीधा ले जाए,
नहीं नहीं इधर करनी है, वापस जाना है। अब पापा थोड़ा सा इधर घूम रहे, इधर को, अब मम्मा की साइड घूम रहे, वापस जान इधर, बस 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 बस। हाँ बाबा, नहीं हमने डिसाइड कर लिया बस। बाबा इस साइड को ले आने, सीधी 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 आप इस साइड को कर ले पापा। सही है आज आजो आजो सही है वही पापा, अपनी साइड को कर ले। सही है वही आप इस साइड को कर ले, इधर हो कहा रहा है थोड़ा, इधर। हाँ हाँ सही है वो देखो स्टेप देखना, कुछ नहीं होता ऊपर से गुजरने दो। आजे आजे इधर इधर थोड़ा इधर, आप सीधी ने है आजो कह रहे हैं, आजो ये पत्थर से बचा के। ठहरो मैं जाने दो, ठहरे इधर को, आ जाओ सीधा थोड़ा इधर कर देंगे। ठीक है गुजर गए। चलते ऊपर तो किस तरह जाएंगे यार, उस तरफ से देखो। नहीं थे अर्जे, ये ज्यादा ऊंचा है बाबा, थोड़ा सा रिवर्स करके ना थोड़ी सी गाड़ी उधर कर लो। बाबा ये बहुत है, वापिस थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा पत्थर है बाबा, पीछे बस बस इस तरफ को कर ले, और नहीं हो जाएगा। बाबा इस तरह तो हम ऊपर भी पहुंचा सकते थे आपको, बस अब नहीं जाना ना। चलो सही है, तो मैं उस वक्त जब कर रहा था ना यार, ऊपर तो आके व्यू ही नहीं आना है ना। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे।
ये रास्ता है बहुत खराब है। अगली दफा मम्मा हमो इतना बड़ा ना उठा, इतना ये ठीक है और रख लेते हैं साथ। मम्मा पीछे बस काफी है। यार लेकिन मैं तो ना बहुत डर गई थी, दम से मैं दिल्ली बैठ गया था। कंटिन्यू फॉर पार्ट टू। जब पत्थर फिसलता था ना मुझे और डर लगता था, मुझे और डर लगता था टायरों से जब फिसलता था ना। ये देखो ये गाड़ी वापस आ रही है। की भी डायमेंशन छोटी है। ये बैग कर रहा है देखो ये। यार इसकी चुड़ाई कम है। पैरों पे पापा ना डर जाते हैं। बहुत बड़ी है। हाँ। फिर हमें भी होता है कि पीछे से भी ना। यार जब स्लिप होता था ना पत्थर। हाँ, मेरी जान निकल जाती थी। और ऊपर से वहाँ पे जो वाटर क्रॉसिंग में हो रहा था वो जो बिल्कुल ऐसे जगह थी ऐसे करके। यार वाटर क्रॉसिंग इतना मुश्किल नहीं था, आगे बहुत नैरो था और इतना मुश्किल था। नहीं यार डरना नहीं चाहिए, फिर बाबा भी टेंशन ना। हाँ, बाबा भी थोड़ा सा तो लगता है इंसान तो अंदर अंदर रखो ना। फिर वो एकदम से वो एकदम अभी भी कह रहे थे कि बच्चे डर हमारा नहीं, हम तो डर। हाँ यार सही बात, मुझे हम डर तो लग रहा है। तू बढ़ेगा नहीं मम्मा, बाबा को भी ज्यादा टेंशन होता है। वो ब्रिज वाले है ना साइडों पर वो लग जाते हैं साइड है ना। नहीं नहीं उधर से आगे मैदान नहीं, ये लास्ट और मैदान क्रॉस करके फिर आगे खच्चर के ऊपर जाते हैं। इतनी देर खच्चर पर कितनी देर खच्चर पे कोई हफ्ते लगेगा आधा घंटे। और इधर से मैदान तक पैदल जाना होता है। ये गाड़ी अगर इधर ही खड़ी रहने दें महसूस है ना, नीचे तो नहीं आएगी। हाँ इधर महसूस है लेकिन ये गाड़ी उधर जाती है ना, ये बुझ जाइए सोच ले गुजारना। मैं कहती हूँ पैदल चलते हैं। कुछ बाइक देंगे किराए पर हमें, क्या किराया देंगे बेस कैंप पर। मैं इनको मैदान तक छोड़ा नहीं, सही कह रहे हैं बाबा, सही कह रहे हैं यार, सही कह रहे हैं। इधर वापस भी तो जाना है ना हमने। हाँ एक काम करो आप इधर थोड़ा वेट करो ना, इधर से अगर आप बैठे हो तो लोकल ड्राइवर अगर मैं निकाल तो मैं भी लूंगा, मुझे मसला कोई नहीं है। सिर्फ ये है कि इसकी कुछ साइड ना लग जाए। इधर से आगे महिला ना, फिर चलते हैं फिर। यार फिर उधर सोचना था ना ये तीन। मैं तो कह रही थी मेरा तो पहले नहीं था कि चलते हैं वहां पर। हां हम तो पैदल चले यार। हां मुझे ले चलो जरा, हां मैं देख कर आता हूं। चलो ठीक है चले जी। अभी हम फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि गाड़ी ऊपर जाएगी कि नहीं। फिलहाल ये अब जाने लगी हैं। ये मैं जाऊंगा बस वो ना बच्चों का। चलो वो देख कर आते हैं रास्ता, तो फिर देखते हैं कि हमने जाना है कि नहीं। हाँ मुझे तो इधर बैठने तो मेरी तो टांगे कांप रही हैं। मैं तो सोच रही हूँ वापस ही चलते हैं। हम लोग अच्छी तरह तो जाना तो है ना, देखना तो जाना तो है ना।